वेलकम टू स्टडी पॉइंट। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में सर्कल है, ठीक है। और आपसे क्या कह रहा है कि दीज आर टू परपेंडिकुलर डायमीटर्स। उसने ऑलरेडी मेंशन किया है परपेंडिकुलर डायमीटर्स। इट इज ओ, इज ए, इज बी, इज सी एंड इज डी, ठीक है। क्या कह रहा है? इन फिगर 12.27 ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो वो हमारा सेंटर हो गया, जो कि मिड पॉइंट होगा दोनों डायमीटर्स का, और एंगल हो गया हमारा सीधा सीधा सा 90, है ना भाई? ये मतलब ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है? डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल। अब उसने उसमें ड्रॉ किया हुआ है, क्या ड्रॉ किया हुआ है कि ये स्मॉलर सर्किल है। अगर ये स्मॉलर सर्किल है तो ये इसका डायमीटर, ठीक है सर। डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल, उसका डायमीटर ओडी इफ ओ ए इज 7। और हमारे पास क्या है सर? ये ओ ए गिवन है, कितना है सर? सर अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, सर ये भी 7 है, ये भी 7 है, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है, ध्यान से देखिए। अभी पहले चलिए, उसने फिर इसको भी ज्वाइन किया हुआ है। ये हमारे पास है शेडेड पार्ट और ये हमारे पास है, ठीक है भाई। अब पहले तो इसमें से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर बताता हूं करना क्या। आपके पास एक तो बिग सर्किल है, ठीक है भाई, और बिग सर्किल का रेडियस हो गया 7। फिर आपके पास एक इनर सर्किल स्मॉल सर्किल है, ठीक है सर। मत यूज किया करो, जब 22/7 यूज करना है तो 7/2 यूज करा करो, क्योंकि आपको सर्कल में आपको पाई कितना यूज करना है, तो नॉर्मली 7 कैंसिल हो जाता है, तो 7/2 से ही काम चला लिया करो, क्या जरूरत। तो ये हमारे पास हो गया। दूसरा हमारे पास है एबी। एबी बताओ कितना होगा, अभी बताऊंगा क्यों यूज करना है। और अच्छा और सी बताओ कितना होगा, यस सर नो। अब देखो सर, सबके सब क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या है, आप सब कह रहे हो ये सेगमेंट है, मैं इसे सेगमेंट नहीं देख रहा, मैं कह रहा हूं नहीं सर हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का एरिया निकालना आसान होता है। आप पाई आर स्क्वायर क्यों सेगमेंट में घुसे, और उसमें से आप ट्राइंगल माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, और ट्राइंगल क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है। परपेंडिकुलर कहा ना उसने, तो उसका फायदा उठाओ ना। तो फिर क्या होगा आपके पास, आपके पास बेस तो हो जाएगा बेटा ये क्या ए बी, ये तो हो गया बेस, और ये हो जाएगा हाइट, तो सभी कुछ तो मिल गया आपको, समझ में आ गया। वैसे करेंगे, चलो जी नोट करो, ऐसे करेंगे, ठीक है सर। हमारे पास क्या, हम क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। चलो जी लिखो भाई, क्या करोगे आप, एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल है ना भाई, वो तो फुल है आपके पास, प्लस प्लीज ध्यान से देखो, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्किल, बिग सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा नाम बता दो उसका, बस एबीसी, यस दैट्स इट, ऐसे ही, ठीक है भाई। अच्छा स्मॉल सर्किल क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा बेटे 22/7 एंड 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का देखो फायदा हुआ ना, 77/2 प्लस एरिया ऑफ बिग सेमी सर्किल तो हाफ, ठीक है भाई। पाई तो अभी भी यही रहेगा, लेकिन रेडियस अब 7 है, रेडियस अब क्या है 7, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, बेस कितना था भाई डायमीटर, सर समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन करो भाई, क्या आ गया भाई 2 से 7 से, ठीक है 2 से, ठीक है सर, ये कितना आ गया भाई 77/2, तो 77/2 कितना होता है 38.5, कितना होता है, ये तो यहां से आया, प्लस कितना है भाई 77 माइनस कितना आ गया बेटा, ये कितना हो गया 79.8 है ना भाई, और 64 तो 38 और 28 कितना हुआ 46.66 पॉइंट, सर सही है, नोट करो जल्दी शाबाश।
Number 10. The area of an equilateral triangle ABC is 17320.5 cm. With each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. पहले फिगर ड्रॉ करते हैं. हमारे पास क्या है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. प्लीज ध्यान से देखिए, नथिंग इज गिवन, साइड नहीं गिवन है, एरिया दिया हुआ है. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन 17320.5 सेंटीमीटर. ये आपके पास ट्रायंगल गिवन है एबीसी, एंड आपसे क्या कह रहा है, फ्रॉम ईच वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, सर्कल्स आर ड्रॉन इक्वल टू रेडियस हाफ ऑफ द साइड. ठीक है, साइड का आपने हाफ ले लिया, तो हाफ साइड यहां से ले लीजिए बस. आप जब इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स से सर्कल ड्रॉ करोगे तो कुछ वो इस तरह से आए. हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है सर. आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सिर्फ इतना सा पार्ट चाहिए. ठीक है सर, क्लियर है. अब आप जरा ध्यान से देखो इधर, मुझे अगर ये निकालना है, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है. क्वेश्चन तो सिर्फ इतने से चल रहा है भाई, आउटसाइड ट्रायंगल क्या है, मुझे उससे क्या मतलब है. क्लियर है, मुझे तो सिर्फ क्या मतलब है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में से ये सेक्टर्स माइनस कर दो. ये सेक्टर्स हैं, एंगल पता ही है 60, रेडियस आ जाए कहीं से, एंगल तो पता है, सेक्टर का क्वाड्रेंट तो है नहीं कि 1/4 कर देंगे. ठीक है सर, सेक्टर है 60 डिग्री एंगल वाले. तो अब क्या क्या चीजें हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए सर, हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड चाहिए, हमारे पास नहीं है, हमें एरिया दिया हुआ. अगर साइड आ जाए तो हम उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा. ठीक है सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड से रेडियस निकालना है, वरना इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो मेरे पास है. ट्रायंगल में से मुझे 3 सेक्टर्स माइनस करने, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो एरिया भी मेरे पास है, मुझे जरूरत भी नहीं है निकालने की, सिर्फ सेक्टर की रेडियस चाहिए, फिर सेक्टर निकाल. तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर आपको पता हो, अब जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में √3 गिवन है. ये गिवन है, क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसी को यही लिख रहा हूं, 17320.5 × 4 अपॉन √3. √3 यहां आएगा सर अपॉन में, तो √3 कितना हो गया सर, ठीक है सर. इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये एक जीरो आ जाएगी, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 0, 5, 0 आ जाएंगे, है ना भाई. एक जीरो से 17320.5 से, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 × 4, 0. तो जब आप अंडर रूट लोगे सर, तो 4 का अंडर रूट 4 का अंडर रूट 2, और 4 जीरो से कितने जीरो आएंगी, तो ए आपका आ गया 200. तो रेडियस बताओ कितना, गुड, मुबारक हो जी. यस और नो, अब आप क्या कह रहे हो, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ थ्री सेक्टर्स, थ्री, ठीक है सर. अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड नहीं करना, गिवन है, कितना है भाई, ठीक है, थ्री सेक्टर्स क्या है भाई, पाई, ठीक है सर, आर स्क्वायर, आर कितना है सर, थीटा कितना है सर, अपॉन, ये बस, ठीक है जी. चलो भाई सॉल्व करो, कितना करोगे, 60 से, ठीक है सर, 3 से, ठीक है, 2 से, इसे रहने ही दो ना, ठीक है, हम काटते नहीं 2 से,
कर लेना आप जैसा करोगे, कितना आ गया सर 50, ठीक है सर। ये हो गया 3.14 दिया होगा शायद, ये कितना दे रखा 3.14, तो अगर 3.14 दिया हुआ इनटू 100 तो 314 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 50 हो जाएगा, ठीक है सर। तो कितना आया 17320 माइनस 314, देखो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, इनटू 50 इनटू जो भी आप माइनस कर लेंगे कितना आएगा सेंटीमीटर एरिया, ठीक है सर, नोट करो।